भी जाना कि तीन बूम का हम लोग इनोग्रेशन किए हैं और पहला बूम का नाम है आप लोग देख सकते हैं इसको क्लोज करके देखिए दार्शनी मुंबई न्यूज है और हम इधर से घुमाएंगे ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट ये भाई ये पैसा देने वाला है नहीं 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 ये हमारा बड़े भाई है बड़े भाई क्या नाम है इनका संजीव गुप्ता साहब ये संजीव गुप्ता जी का ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट और आप लोग देखते होंगे होर्डिंग बहुत बड़े बड़े लगे हुए ये उन्हीं का है जो बॉम्बे के नंबर वन होर्डिंग के बादशाह है हाँ और मैं दूसरा बूम दिखा रहा हूँ सेम बूम है ये इसमें थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है कल्याण जाना लाइव टीवी ये हमेशा फेसबुक लाइव आते हैं तो ये लाइव टीवी बना दिए इसको और तीसरा बूम हमारे सुनील जी के साथ में है ये है दार्शनिक दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड अपनों देखा होगा अभी कुछ दिन पहले हुआ था उसके नाम से बूम बनाया गया है मीडिया के लिए सर सही बोल रहा हूँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और ये कल्याण जाना जो है हमारा प्रिय मित्र है और हमेशा सोशल मीडिया में और समाज में भी कुछ ना कुछ करते रहता है किसी को अवार्ड देना हो किसी को रिवॉर्ड देना हो किसी को सपोर्ट करना हो ये बंदा सबसे आगे आता है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदे को आप सब भी सपोर्ट कीजिए जनता मीडिया तमाम इंडस्ट्री के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि ये इसने जब भी कुछ ना कुछ नया किया है ये हमेशा इसका हकदार रहा कि सब इसे सपोर्ट करें और हम सब कल्याणी के साथ में हैं और खूब आगे बढ़ो और ये जो दार्शनिक दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड का जो बूम आया है मुझे लगता है कि अब ये बूम जो है पूरे इंडस्ट्री में इसका बूम आ जाएगा और ये छा जाएगा सर सुनील जी आपने सब सारी दुनिया में लॉन्च किया पहली बार बूम लॉन्च कर रहे हो एक नया चीज है बिल्कुल बिल्कुल मुझे ये फर्स्ट टाइम आज तक ऐसा मैंने लॉन्च ही नहीं देखा बूम मैं पहली बार देख रहा हूँ मतलब फिल्म धूम धूम वन धूम टू धूम थ्री दिखी थी पहली बार देख रहा हूँ जो हमारे तीन बूम लॉन्च हुए वो भी जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री का जो सरताज है हमारे फादर है उनके नाम है दादा साहेब फाल्के आइकॉन दादा साहेब फाल्के जो हमारा सरताज है हमारे जो ये फादर है उनके नाम का ये शो है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स तो वो गुरुजी ने वो लॉन्च किया है तो एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए इतने बड़े स्टार है ये कल्याण जी बिल्कुल बहुत बड़े स्टार होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ है ये इनके पास भगवान की जैसे कोई कमी नहीं है लेकिन हर वक्त दोस्तों के साथ में रहते हैं दोस्तों की खुशी में कम और दुख में ज़्यादा शामिल रहते हैं और यही इस आदमी की खासियत है इस आदमी से सीखने के लायक यही बात है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए अपने लिए जिए तो क्या जिए ऐ दिल तू जी जमाने के लिए ये ऐसे विचार अपने माध्यम से अपने काम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं जिससे इंस्पायर होकर लोग अपना काम करते हैं तो मैं कल्याणी के लिए दिल से परमात्मा के कृपा मैंने सुना है आप तीनों जो यहाँ पे सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं संजय जी और आप और त्रिशा जी दुबई जाने वाले हैं टिकट मिली आपको बस अभी मैं टिकट का इंतजार कर रहा हूँ कि एक बार टिकट आ जाए तो मैं और संजय जी दो भाई जाएंगे दुबई और त्रिशा जी क्या कहेंगे आज लॉन्चिंग पे बस कल्याण जी जाना जो कि बहुत अच्छे इंसान है सोशल वर्क करते हैं तो आई विल गिव हिम सब कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस बूम कीप इट अप डू लॉट्स ऑफ वर्क गॉड ब्लेस यू तो कल्याण जी आप क्या कहेंगे कैसी खुशी हो रही है आज सुनील पाल जी जो सुपरस्टार हैं कॉमेडी के सबसे पहले मेरी मीडिया को मेरा दिल से मेरा प्रणाम जो मीडिया ने मुझे यहाँ तक मुझे बनाया है मुझे यहाँ तक लेके आए उसके बाद मीडिया के ऐसे एक बादशाह है जो पीआरओ है जो भोजपुरी और हिंदी इंडस्ट्री का जो तमाम फिल्म को पीआर करते हैं और आज वो मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं और मेरी पहला फिल्म से लेके अभी तक उन्होंने बहुत मुझे मतलब सफल बनाया है उनका नाम है संजय भूषण पटियाला मैं उनको सैल्यूट करता हूँ वो यहाँ पर बैठे हैं उसके साथ साथ जिनको देख के मैं कॉमेडी से कहा जिनको देख के मैं कॉमेडी करता हूँ मैं स्टेज पर जिनको देख के मैं एक्टिंग उनकी देख के मैं वो एक्टिंग में बोला करता हूँ तो वो ऐसे एक्टिंग का बादशाह कॉमेडी के बादशाह और इंडिया का ऐसे नंबर वन कॉमेडियन इनके दिल से इतनी अच्छा है और हर इंसान को ये मोहब्बत करते हैं सभी को टाइम देते हैं वो कोई नहीं है वो मेरे गुरुजी है जिनका नाम है सुनील पाल साहब मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ गुरुजी हर वक्त ये मुझे गुरुजी बोला लेकिन मैं इसको महागुरु बोलता हूँ तो कल्याण जी कैसा एक्सपीरियंस रहा अब आप मीडिया में भी कदम रख रहे हो तो क्या कहें आप नहीं सबसे पहले मैं बोल दूँ उसके साथ साथ में मेरे उत्तम साहब आए हैं उत्तम जाजू साहब जो
प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, ऑर्गेनाइजर है और दादा साहब फाल्के जो आइकॉन अवार्ड जो है उसमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। मेरे भाईजान आया है और जो बहुत बड़े नेता है और बहुत बड़े एक समाज सेवक है और सबसे बड़ी बात है जो दोनों जो कपड़ा पहनते हैं ये बहुत ही अच्छा कपड़ा पहनते हैं, दोनों एक साथ वो कपड़ा पहनते हैं। उसके साथ साथ में तीशा खान है जो बंगाल से है लेकिन आज मुंबई शहर में इनको सब वो जानते हैं क्योंकि इतने अच्छे एक्टर्स हैं, मॉडल है और सबसे बढ़िया अच्छी दिल की है। तो हम लोग बंगाली हैं तो बंगाली लोग अच्छे दिल के होते हैं। कल्याण जी काम के बारे में बताइए, क्या काम रहेगा आपका ये तीन बूम आप लॉन्च की? एक नाम बोल दो लास्ट में सर। हाँ, एक नाम लास्ट में है जिसका नाम है अशफाक शेख जो डायरेक्टर है मेरा, हर वक्त मेरे साथ वो हर कदम में वो मेरे साथ रहते हैं। थैंक यू सो मच अशफाक शेख साहब। और हैदर कशिप भाई जो है जो हमारी हर वक्त वो आते हैं जब भी मैं बुलाता हूँ, बॉलीवुड की बातें उनके चैनल है। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच बीबीसी भोजपुरी जो मेरे बहुत सारा मेरा इंटरव्यू लिया है एंड थैंक यू सो मच। अभी आपने बोला जो बूम, ये जो बूम है ये किसके लिए मैं कर रहा हूँ? मैं मीडिया में नहीं आ रहा हूँ, ये कोई मैं मार्केट में वो जाके मैं किसी का इंटरव्यू नहीं लेने वाला हूँ। ये ऐसा है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स जो मेरा मुंबई में हुआ था या मैं दुबई कर रहा हूँ तो उनका एक बूम बना है। वो बूम जो है जो भी हम एक्टर को एक्ट्रेस को हम अवार्ड दे रहे हैं उनका इंटरव्यू लेंगे, उसके लिए हमने ये बूम बनाया और मार्केट में जाके सबका इंटरव्यू लेंगे। दूसरा मैंने बूम बनाया दार्शनिक मुंबई न्यूज जो मेरा पेपर चलते हैं उनके नाम से मैंने एक बूम बनाया और कल्याण जी है ना लाइव टीवी जो मैं लाइव करता रहता, जैसा मेरे भाई ने बोला है गुरु जी ने जो मैं फेसबुक में मैं लाइव करता रहता मैं उसको यूट्यूब पर लेके आया। तो ये तीन बूम और साथ साथ में ग्लोबल एडवर्टाइजर जो हमारे संजीव गुप्ता साहब का है उनके साथ में हमारा टाइप है इसलिए हमने उनका भी देखिए मैंने ये साथ में मैंने बनाया है। तो ये तीन बूम कल से मार्केट में घूमेंगे और ये सिर्फ हमें काम कौन देंगे? संजय भूषण पटियाला, हिमांशु झुंझुनवाला, ये सभी हमें काम देंगे। तो मैं ये जो पैसा है मैं बोल दूं आपको, ये जहां से मेरा तीन बूम से जो पैसा आएंगे मार्केट से ये पैसा मखदूम शाह बाबा दरगाह है माहिम में, दरगाह के बाहर हम लोग हर गुरुवार को जुम्मेरात को वहाँ पर हम जो गरीब लोग होते हैं उनको हम खाना खिलाएंगे एवरी गुरुवार को। इस बूम से एक रुपया मेरी जेब में नहीं आएंगे, इस बूम के पैसा से जो भी मार्केट से पैसा आएंगे मेरा एक रुपया मेरे जेब में ना मेरे बैंक में जाएंगे। हमारे बहुत ही प्यारा मेरा मैं घर है मेरा माहिम में दरगाह है जिनका नाम है मखदूम शाह बाबा दरगाह, हर जुम्मेरात को वहाँ पर गरीबों को इसी इसके पैसे से हम खाना खिलाएंगे। बहुत अच्छा काम है। सिंगर, राइटर, अवार्ड विनर, आप डांसर सब कुछ हो चुके हैं यहाँ तक कि अभी आपने दुबई में भी शो करवा रहे हैं। थैंक यू सर। कौन सा ऐसा काम बचा है जो अभी आपको करना है? सर धीरूभाई अंबानी जैसे हमारे महान महान थे, आज उनके दो सुपुत्र हैं। तो दो जब धीरूभाई अंबानी कंपनी अगर दुनिया के हर चीज वो कर सकते हैं, वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कोई काम बचा है जो अभी करोगे? इंशाल्लाह अगर भगवान करे, हर हर महादेव करे, तो जो काम मैं और नहीं किया वो भी मैं करूं। वेरी गुड। कोई तमन्ना है जो बने? तमन्ना ये है मेरी गुरुजी की तरह एक अच्छा मैं कॉमेडियन बनूं और मेरा ये तमन्ना है जो मेरी गुरुजी जो नाम कमाया समीर पाल साहब ने, आज इंडिया ने उसको वर्ल्ड उसको दिखता है, जानता है, पहचानते हैं, उसको लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं, उसको कमेंट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे जो गुरुजी जो आज कॉमेडियन के बादशाह है, कॉमेडियन के बादशाह है, तो उनकी तरह मुझे बस बनना, उनकी तरह तो मैं नहीं बन सकता हूँ, बस उनकी से 5% अगर मैं बन जाऊँ तो मेरे ख्वाहिश पूरा हो जाए। सुनील जी क्या कहेंगे इस पे, आपकी कॉमेडी जो है वो कल्याण जी चाह रहे हैं कि आप जैसी कॉमेडी करें? नहीं मेरे, मैं तो चाहता हूँ कि न केवल कॉमेडी करे बल्कि सब काम करे, क्योंकि सिर्फ कॉमेडी से ही नहीं हर काम से लोगों को खुश रखा जा सकता है अपने हर काम से। मैं समझता हूँ कि जो देश और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अपना अपना काम अपने अपने क्षेत्र का काम अगर ईमानदारी से करें तो हम वैसे ही पुण्य का काम कर रहे हैं, खुश रखने का काम कर रहे हैं और खुश होने का भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए तो मैं समझता हूँ कि कल्याण जी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बंदा जो है इस तरह से बहुत आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि लोगों की दुआएँ बहुत लेता है। संजय जी आपका कोई रिएक्शन रहेगा? हम लोग शुरू से सपोर्ट में हैं और फिर से सपोर्ट कर रहे हैं कल्याण बिजाना को और हमारे साथ सुनील भाई हैं हमेशा सपोर्ट में। उन लोगों को इनके कल्याण जी के अलावा भी कई ऐसे समाज सेवी हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो सुनील जी हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं,
जब भी कोई आता है द्वार पर तो खाली हाथ नहीं जाता इनके हाथ से, बोल रहा हूँ। सही बात है, सही बात है, परफेक्ट बोला। और आज लगता है हम तीनों खाली नहीं जाने वाले हैं। थैंक यू। सर क्या शुभकामनाएं रहेंगी आपकी, पहले आपका नाम बताइए। और कल्याण जी जाना ने आज तीन तीन बूम लॉन्च किया है, तो क्या करेंगे? कल्याण जी जाना के साथ हर 24 घंटे जैसे घड़ियाल का काटा चल रहा है, वैसे हम उनके साथ चल रहे हैं। उनको हम बधाई देते हैं और आगे बढ़े, उनके साथ हम शुभकामना उनको देते हैं। और हमेशा हमारा साथ है और हम साथ में ही रहेंगे और साथ में ही मिलके हर काम करेंगे, हर काम में हम मदद करेंगे और हर काम में हम शुभकामना देते हैं उनको। सर आप नाम बताइए, क्या रहे? मेरा नाम उत्तम जाजू है, जैसे कि नाम है कल्याण जी जाना। ये कल्याण भी करते हैं और लोगों ने इनको जान भी लिया है। और मैं बधाई देना चाहूँगा इनके जो तीन बूम लॉन्च हुए हैं, कल्याण जी जाना लाइव टीवी, दार्शनिक मुंबई न्यूज चैनल, और जो सबसे बड़ा और जिसके लिए मोस्ट अवेटेड बोले सबकी इच्छा है दुबई जाना। और दुबई में एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है जिसका नाम है दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स। उसके लिए कल्याण जी और उनकी पूरी टीम को ढेर ढेर शुभकामनाएं। सर आप बताइए नाम अपना, कल्याण जी जाना के बारे में। मेरा नाम अशफाक शेख है और कल्याण जी जाना को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि तीन बूम आज लॉन्च हुए हैं। तीनों का नाम तो लोगों ने ले लिया है। इन सबसे मेन है हमारा दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स जो दुबई में होने जा रहा है, और कल्याण जी जाना इसी तरह लोगों का कल्याण करते रहें, यही हमारी शुभकामना है।